आशुतोष गर्ग जी के अनुरोध पर ये अंगूठे वाला मोजा थम सॉक्स का ट्यूटोरियल वीडियो आज हम लेकर आए हैं नमस्कार में आप सभी का स्वागत है तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ये बहुत ही आरामदायक बिना जाली वाला अंगूठे का मोजा है अंगूठे वाला अब मैं इसका जो साइज आपको बताऊंगी दो साइज मैं इसके बताऊंगी आप थोड़ा अपनी ऊन के हिसाब से और जो मैं आपको निर्देश दे रही हूँ उनके हिसाब से थोड़ा सा आप समझ कर बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा मोजा बना पाएंगे ये सात नंबर का मोजा हम कह सकते हैं मैं बना रही हूँ जो आपको दिखा रही हूँ तो इससे एक नंबर छोटा बनाने का मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी उसको आप ध्यान से समझिए इस वाले मोजे में हमने फंदे डाले हैं 48 48 फंदे डाले हैं दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर है दस नंबर की सलाई से ये हमने बॉर्डर बुना है तो आप अगर इसे थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो फोर्टी फोर चवालीस फंदे डालकर आप बॉर्डर बना लेंगे अगर आप ऊपर और बड़ा करना चाहते हैं तो बॉर्डर के बाद आप थोड़ा सा प्लेन भी बुन सकते हैं या इस बॉर्डर को ही आप और बड़ा बना सकते हैं यहाँ पर ये लगभग ढाई इंच के करीब बॉर्डर बनाया गया है यहाँ पर ये बीच में जो ये बनावट दिखाई दे रही है इसको हम कह रहे हैं जीभ तो ये जीभ टंग जैसी एक चीज़ हमको बनानी है तो सेंटर के अभी मैं यहां पर लेने वाली हूं टेन स्टिचेस दस फंदे जो बीच के हैं उनको लेकर मैं बुनाई करूंगी ये जीभ बनाऊंगी तो अगर आप इससे एक नंबर छोटा बनाना चाहते हैं तो आप आठ फंदों की ये जीभ बनाएंगे सेंटर के आठ फंदों को लेकर ये हम गार्टर स्टिच बुनने वाले हैं यहां पर मेरे फोर्टी एट स्टिचेज हैं बीच के दस फंदे मुझे लेने हैं तो ये दो सीधे दो उल्टे बुनते हुए मैं सेंटर में पहुंचूंगी नाइनटीन स्टिचेस इस साइड के राइट साइड के उन्नीस फंदे और लेफ्ट साइड के उल्टी तरफ के उन्नीस उन्नीस फंदों को मुझे छोड़ देना है सिर्फ बीच के दस फंदों में मैं इसके बाद बुनाई करूंगी तो ये बुन लिए फंदे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस अब मुझे बीच के दस फंदे लेने हैं जिनको मैं सीधा बुन रही हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस अब इधर भी मेरे उन्नीस फंदे हैं तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तो दोनों तरफ हमारे उन्नीस उन्नीस फंदे रह जाएंगे और ये जो बीच के दस फंदे मैंने लिए हैं इनको मैं अब सिर्फ बनूंगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस थोड़ी देर बाद तो पहचान पड़ जाती है शुरू में हम एक दो बार गिन लेंगे उनको ध्यान से अब देखिए ये हमको दिखाई दे रहे हैं क्लियर तो अभी मैं आपको मिलती हूँ ये कम से कम मैं बारह धारियां दिखाई देंगी चौबीस सलाई बुनकर ये जो मेरा सैंपल बना हुआ है इसमें देखिए हम ये देख पा रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह धारियां दिखाई दे रही हैं मतलब ये चौबीस सलाइयां मुझको बुननी है उसके बाद हम अगला स्टेप पर काम करेंगे तो इस वाले स्टेप को मैं पूरा करके फिर आपको मिलती हूँ बस जैसे दस मेरे फंदे हो गए फिर मैं पलट गई फिर दस फंदे बुनूंगी और फिर पलट जाऊंगी तो बीच के सिर्फ दस फंदों की मैं बुनाई कर रही हूं अभी तो देखिए एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये फंदे जब हम डालेंगे तो डबल ऊन से डबल सलाई से डालेंगे जिससे कि ये किनारी टाइट ना हो जाए और अभी तक मैंने सलाई नहीं बदली है दस नंबर की टेन नंबर नीडल से ही मैं बुनाई कर रही हूं और जब आप अगर एक नंबर छोटा बनाएंगे तो ये जो बार है ट्वेल्व रिजेज बार है धारी दिखाई दे रही हैं तो आप ग्यारह है या दस ये थोड़ा सा आप देखेंगे ये भी नॉर्मल ऊन है मोजे वाली ऊन नहीं है सॉफ्ट वाली ही ऊन है तो इसको हम इसलिए दस नंबर से ही बुन रहे हैं अगर ये मोज़े वाली थोड़ी हार्ड वाली ऊन होती तब हम इसको नौ नंबर से अब बुनने लगते लेकिन अभी हम फंदे उठाएंगे और उसके बाद फिर अगर हमको ज़रूरत लगेगी तो हम सलाई बदलेंगे नौ नंबर की सलाई लेंगे तो ये हमने बार है धारियाँ दिखाई दे रही हैं उसके बाद अब हम ये बुनते हुए आए हैं ये उल्टे हाथ की तरफ अब हमको ये वाले जो फंदे हैं ये उठाने हैं ये फंदे उठाने के लिए आप तीसरी सलाई की मदद भी ले सकते हैं और या तो ये देखिए ये दस नंबर की सलाई है तो आसानी से बारह फंदे तो ये मेरे बारह धारियों के उठेंगे और फिर मैं जब बुनते हुए आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक फंदा मैं कॉर्नर से भी उठा लेती हूँ तो इस तरह से ये मैं इस साइड से मैंने ये बारह फंदे उठा लिए हैं इनको अब हम बुनेंगे और बुनते हुए मैं कॉर्नर पर आकर आपको मिलती हूँ ये हम आराम से कोई परेशानी की बात नहीं है बहुत ही आराम से ये फंदे बुन जाते हैं अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें अगर हम एक फंदा उठा लें तो वो थोड़ा गैप जो है वो खत्म हो जाता है नहीं तो थोड़ा सा गैप रहता है इस तरह से ये हमने इस साइड से फंदे उठाने का काम पूरा किया अब मैं लौटते समय मैं दिखाती हूं अब मैं उल्टी सलाई उल्टे फंदों से बुनूंगी मतलब ये तो मैं ऊपर से इधर से जा रही हूँ सीधा बुनते हुए मैं थोड़ा पलट कर आपको दिखाती हूँ और फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगी अब हम सलाई पलटेंगे और इन फंदों को अब हम उल्टा बुनेंगे उल्टी सलाई पर हम हैं और ये उल्टा बुनते हुए मैं यहां पर आकर मिलती हूं आपको ये लीजिए ये हमने अपने ये वाले फंदे सारे बुन लिए अब हम आ गए दूसरी तरफ तो जैसे हमने पहली तरफ फंदे उठाए थे उसी तरह से इस साइड के भी हम ये फंदे उठाएंगे और इनको उसी तरह से इस बार इनको हम क्योंकि उल्टी तरफ हैं तो उल्टा उल्टा बुनेंगे और वही कॉर्नर का एक फंदा यहाँ से उठाते हुए यहाँ तक सारे फंदों को हम उल्टा बुनते हुए फिर मैं आपको मिलती हूँ ये बस लीजिए ये देखो ऐसे आराम से ये फंदा हमारा उल्टा बुन गया तो सारे फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं इस वाले कोने पर आए ये जो कोना है और यहाँ पर एक फंदा हमने उठाया और इसको उठाकर इसको भी हम उल्टा बुन रहे हैं तो इस तरह से ये हमने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनना है अब और हमारे फंदे उठने का काम दोनों तरफ से पूरा हो गया है जब हमने यहाँ पर फंदे डाले थे 48, 48 फंदे थे अब हमने दोनों तरफ से तेरह तेरह बारह तो इसमें से उठाए और एक एक कॉर्नर का तो तेरह तेरह मतलब छब्बीस फंदे हमने और उठा लिए तो अड़तालीस में छब्बीस जोड़े तो अब हमारे पास ये जो टोटल फंदे हैं ये हो गए हैं सेवेंटी फोर तो अभी हमको तो और फंदे बढ़ाने हैं तो उनको हम कैसे बढ़ाएंगे वो अब हम आगे करेंगे बढ़ाने का काम तो एक तो मैंने अभी सिलाई नौ नंबर की ले ली है और इन फंदों को सीधा बुनते हुए मैं जो सेंटर में बीच में जो मेरी जीभ है ना जो मैंने बताया जिसको मैंने नाम दिया जीभ मैं वहां तक पहुंचती हूं और फिर हम फंदे बढ़ाएंगे क्योंकि मैंने तो फंदे गिने हुए हैं तो ये थर्टी थ्री इधर हैं थर्टी थ्री इधर रह जाएंगे बीच के दस फंदे हमारे हैं वरना तो ये पहचान कर लीजिए कि जो बीच के दस फंदे थे या आपके छोटा मोजा है आठ फंदे हैं तो इस तरह से मैं तैतीस फंदे बुनने के बाद बीच के दस फंदों पर पहुंच गई और इनको मैं हर फंदे में से एक का दो कर रही हूँ डबल हो जाएंगे ये दस के बीस हो जाएंगे इसको मैंने एक बार बुना अभी उतारा नहीं और फिर पीछे से इसी फंदे को मैं दोबारा बुन रही हूँ इस तरह से दस बार टेन टाइम्स ये थर्ड टाइम बुना मैंने तीसरी बार ये मैंने बुना चौथी बार फोर्थ टाइम ये हो गया पाँचवीं बार फिफ्थ टाइम एक बार आगे से और एक बार पीछे से पाँच ये छठे फंदे को बढ़ाया छ बार ये है सेवेंथ सातवीं बार फिर है ये आठवीं बार यह हो गया नाइन्थ नवी बार नौवीं बार हमने बढ़ाया और ये हमने बढ़ाया दसवीं बार दस बार हमने दस फंदे जो थे हमारे बीच के उनका एक का दो कर लिया तो अब हमारे फंदे हो गए एट्टी फोर ये बाकी दूसरी साइड के जो फंदे हैं इनको हम नॉर्मल सीधा बुनते हुए आखिर में पहुंचते हैं फिर आपको मिलते हैं ये सीधी सलाई हम पूरी बुनते हुए आ गए और अब हम अगली वाली उल्टी सलाई को सारे फंदों को बस हमको इन्हें उल्टा बुनना है इसमें हमको कोई घटाने बढ़ाने का काम नहीं करना है ये जो बीच में हमने फंदे बढ़ाए हैं ना इनको सावधानी से बुनना है ये दो दो हो गए हैं ना तो इनको गिर ना जाए तो थोड़ा ध्यान करके सावधानी से आप इनको उल्टा बुनेंगे ये हमने उल्टी सिलाई अपनी पूरी करी अब हमारे वही थर्टी थ्री इधर हैं थर्टी थ्री इधर हैं बीच में हमने दस फंदों के बीस फंदे कर लिए हैं तो ये जो थर्टी थ्री फंदे हैं इनको बुनकर तैंतीस फंदों को बुनकर मैं फिर बीच के बीस फंदों में आपको मिलती हूं एक बात आप ध्यान से समझिए कि अगर आप थोड़ा भी साइज बड़ा करना चाहते हैं तो यहां पर एक पूरी सीधी सिलाई बुन सकते हैं और एक पूरी उल्टी सिलाई बुन सकते हैं जिसमें बढ़ाने का काम नहीं करेंगे लेकिन मुझको यहीं पर मैं इसी सलाई में दूसरी बार बढ़ाने का काम कर रही हूँ तीन बार मैं टोटल फंदे बढ़ाऊंगी तो ये सेकेंड टाइम अब हम फंदे बढ़ाएंगे ये थर्टी थ्री तैतीस फंदे मैंने बुन लिए अब जो बीच के ये सेंटर वाले ट्वेंटी स्टिचेज हैं बीस इनमें मैं फिर से बढ़ाने का काम कर रही हूँ बीस फंदे मैं फिर से बढ़ा रही हूँ एक बढ़ गया ये आगे से बुना और फिर इसी फंदे को हम पीछे से बुन रहे हैं दूसरा बढ़ गया ये हमारा तीसरा बढ़ गया थर्ड स्टिच को हम बढ़ा रहे हैं इसी तरह से ट्वेंटी स्टिचेस बीस फंदों को मैं चालीस करूंगी अभी यहां पर हमारे ये थर्टी फोर चौंतीस फंदे हैं तैतीस मेरे को सीधे बुनने हैं ये आखिरी बार 20वां फंदा मैंने फिर से एक का दो करा अब इसके बाद ये जो इधर के फंदे हैं ये इनको नॉर्मल मुझे सीधा बुनना है तो मिलती हूं मैं इन फंदों को पूरा सीधा बुनकर सीधी सलाई हमारी हो गई अब उल्टी सलाई जो है इसको हमें नॉर्मल प्लेन उल्टा बुनना है सारे फंदों को हम उल्टा बुनकर फिर आपको मिलते हैं ये उल्टी सलाई हमने बुनी अभी तक हमने दो सीधी सिलाइयों में लगातार फंदे बढ़ाए अब हमारे फंदे बढ़कर लगभग शायद 104 के आसपास हो गए हैं है ना अब जो ये वाली सीधी सलाई है इसको हम बिना कोई फंदे बढ़ाए हुए नॉर्मल सादा सारे फंदों को सीधा बुन रहे हैं अभी हमको एक बार फंदे और बढ़ाने हैं तो इस सीधी सलाई को हम सीधा बुनेंगे और उसके बाद उल्टी सलाई भी हमको एक पूरी उल्टी बुननी है तो ये सीधी सलाई बुनकर मिलती हूं मैं ये वाली सीधी सलाई हमारी हो गई पूरी और उल्टी सलाई में भी हमको कोई बढ़ाने का काम नहीं करना सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो भाई लाइक का बटन जरूर दबाया करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है तो मिलती हूं मैं ये वाली सलाई पूरी करके ये उल्टी सलाई हमारी हो गई अब हम जिस सीधी सिलाई पर आए हैं इसमें वही हमको साइड के 33 33 फंदों को नॉर्मल बुनना है और उसके बाद अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि जो ये साइज है ये 10 फंदे थे 10 के 20 हुए 20 के 40 हुए है ना बीच के फंदों में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं अगर आपका एक छोटा साइज है तो आप आठ एट स्टिचेज लेंगे तो आठ के सोलह सिक्सटीन होंगे सिक्सटीन के फिर वो थर्टी टू होंगे है ना तो बीच में जो ये जीभ है इन्हीं फंदों में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो अभी मैं थर्टी थ्री स्टिचेज तैतीस फंदे बुनकर फिर मिलती हूं आपको फिर आगे की बात बताती हूं थर्टी थ्री स्टिचे इस साइड के थर्टी थ्री स्टिचे इस साइड के है ना बीच के लगभग चालीस फंदे हैं एक दो फंदे छोटा कम ज्यादा हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं है अब जो ये बीच के बीच के ये जो चालीस फंदे हैं फोर्टी स्टिचेज हैं इनमें हमको बीस ट्वेंटी स्टिचेज इंक्रीज करने हैं तो हम कैसे करेंगे पहले फंदे में कुछ नहीं करना इस फंदे में एक का दो करा एक फंदा बढ़ गया फिर इसको कुछ नहीं करना फिर इसमें एक का दो करा दो फंदे बढ़ गए ये हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया इसको कुछ नहीं करना मतलब एक फंदे को हमें सिंपल बुनना है और अगले फंदे को हमें एक का दो करना है तो इस तरह से हम बीस फंदों में डबल कर रहे हैं बीस फंदे हमारे बढ़ जाएंगे तो ये बीस फंदे बढ़ाकर फिर इधर आकर मैं मिलती हूँ आपको एक फंदा हम नॉर्मल बुन रहे हैं और एक फंदे को हम डबल कर रहे हैं बीच में इस तरह से हमने ट्वेंटी टाइम्स बीस बार हमने बीस फंदे बढ़ाए अब ये इस साइड के थर्टी थ्री स्टिचेज हैं ये वाले इनको हमें नॉर्मल एक 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 बुनना है इस तरह से ये हमारे फंदे बढ़ने का काम अब हमारा फाइनल हो गया अब हमको और फंदे बढ़ाने नहीं हैं अब ये जो टोटल हमारे फंदे हैं इनको लेकर ये हम उल्टी सलाई बुन देंगे कुछ नहीं करना सारे फंदों को नॉर्मल सिंपल जैसे कि उल्टा उल्टा हम बुन रहे हैं तो ये उल्टी सलाई बुनकर फिर हम मिलते हैं अब हमारे पास यहाँ पर 124 124 फंदे हैं अब इनको हमें दो हिस्सों में बांटना है एक हिस्सा इधर चला जाएगा एक हिस्सा इधर चला जाएगा और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं फिर हमको दोनों हिस्सों में अलग फंदों को घटाना है तो ये टू पीस में इसको अब हम कर देंगे वन पीस को तो एक सौ चौबीस फंदे हैं मतलब कि हम बीच में पहुंचेंगे सिक्सटी टू बासठ फंदों पर पहुंचकर फिर हम आगे की बात करते हैं ये हम बुनते हुए आए और ये हमारा बासठवां सिक्सटी टू अब बासठ फंदे इधर हैं बासठ फंदे इधर हैं यहां हम अब पलट जाएंगे और इन बासठ फंदों में अब हमको करना है घटाने का काम शुरू तो जो पहला फंदे हैं ये पहले दो फंदों को हमने इस तरह से दो उल्टे का जोड़ा पहले दो फंदे हैं वन एंड टू इनको लेके पी टू टूगेदर दो उल्टे का जोड़ा बना दिया बस और पूरी सिलाई को बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है मिलती हूं मैं ये पूरी सिलाई उल्टी बुनकर तो जब यदि आप छोटे साइज का बनाएंगे तो आपके फंदे कम होंगे तो जितने भी फंदे हैं आपको बस सेंटर में जाकर इस तरह से दो हिस्सों में बांटकर और फिर ये घटाने का काम करना है सीधी सलाई पर हम आ गए हैं। सीधी सिलाई में हमको कुछ नहीं करना पूरी सारे फंदों को सीधा बुनना है और इस सेंटर दिखाई दे रहा है आप चाहें तो तीसरी सलाई की मदद भी ले सकते हैं तो एक फंदा हम घटा चुके हैं सिक्सटी वन हमारे हैं और अब हम दूसरी बार ये दो उल्टे का जोड़ा पी टू टूगेदर पर्ल टू टुगेदर ये हमने फिर से बनाया तो इस तरह से ही बस ये मेरे को यहां पर मैं टाइम्स फंदे घटाऊंगी उल्टी हर सलाई पर एक 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 फंदा घटाते हुए बार क्योंकि हम यहां जितना फंदा घटाएंगे उतना ही ये हमारा पंजे का जो जगह है वो बनेगी तो अगर छोटा मोजा है तो आप नौ दस बार घटाएंगे मैंने ग्यारह बार घटाया है यहाँ पर ये हमारी ग्यारह घटने से इतना बड़ा हमारा पंजे की जगह बनी है तो मैं ये ग्यारह बार घटाकर इसी तरह से उल्टी सलाई में घटाऊंगी और सीधी सिलाई बुनते हुए फिर उल्टी सिलाई पर आऊंगी और ग्यारह बार इस तरह से मुझे करना है तो मिलती हूं मैं ये फंदे घटाकर अब देखिए ये ग्यारह बार इलेवन टाइम्स हमने शुरुआत में एक एक फंदा घटाते हुए ग्यारह फंदे घटा लिए हैं ये साइड हमारी घटाने का काम पूरा हो गया अब यहां पर हम थोड़ी सी ये ऊन लंबी तोड़ रहे हैं क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे ना इस तरह से तो इस ऊन को हम इस्तेमाल कर लेंगे अब हम आ गए दूसरी तरफ जैसा इधर करा है वैसा ही हमको इधर करना है तो अब इस ऊन को हम यहां जोड़कर तो इसको जोड़ने के समय भी ना हम थोड़ी सी लंबी ऊन छोड़ देंगे जिससे हम ये जो अभी सिलने का मैंने बताया ना तो ये सिलने का काम हो जाएगा अब इधर हमारी सीधी सलाई आ रही है तो हमको शुरुआत में दो सीधे फंदों का जोड़ा बनाते हुए ये दो सीधे फंदों का जोड़ा हम इकट्ठा ले रहे हैं और ऊन हमने लंबी छोड़ी है और दो सीधे फंदों का हमने जोड़ा बनाकर एक फंदा घटा दिया अब इसके बाद ये पूरी सीधी सलाई हम बुनते हैं और उसके बाद में लौटकर आपको मिलते हूँ फिर अब ये हम सीधी सलाई लास्ट में आ गए उल्टी तरफ हम शुरू करेंगे और उल्टे सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है इसमें हमको कुछ घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना जितने भी ये फंदे हैं उल्टी सलाइयां नॉर्मल उल्टी बुनी जाएंगी तो इस सलाई को बुनकर मैं फिर से शुरुआत में आपको मिलती हूं और एक बार मैं और दिखाना चाहती हूं आपको ये हम आ गए जहां से हमने ऊन को जोड़ा था शुरुआत में तो अब इस ऊन में हमको एक गांठ लगानी है अब ये आप समझिए कि यहां पर हमने ग्यारह बार फंदा घटाया अब हम यहां पर आ गए हैं तो ये जो दिशा इसकी ऐसी है कि अब हम सीधी तरफ हैं और हमको सीधे से दो सीधे का जोड़ा बुनते हुए ग्यारह सीधी सलाइयों में इस तरह से ग्यारह बार इलेवन टाइम्स हम हर बार एक एक फंदा घटाते हुए ये अपने फंदों को उसी तरह से जैसे हमने पहले वाले हिस्से में घटाए हैं तो ऐसे ही इस दूसरे वाले हिस्से में भी हम फंदों को एक एक करके घटाएंगे दोनों तरफ के ये हमारे अब फंदे घट गए हैं ये देखिए दोनों तरफ के फंदे घट गए अब इन दोनों फंदों को सलाइयों को हम इस तरह से लिया हमने और इनको हमें अब बंद करना है तो बंद करने के लिए हम तीसरी सिलाई की मदद ले रहे हैं अब एक फंदा इस सिलाई पर से लिया और एक फंदा पीछे की सिलाई पर से लिया दोनों सलाइयों पर से एक फंदा लेकर और इसको हम सीधा बुनते हैं उसमें से निकाला इसमें से निकाला दोनों में से निकालते हुए सीधा बुन दिया ये उनको टाइट किया अब फिर से इसमें से एक फंदा लिया इसमें से एक फंदा लिया इन दोनों को बुना अब ये सीधे हाथ की सलाई पर दो फंदे हैं इसको इसके ऊपर से उतार देते हैं तो ये बंद हो गया सारे फंदों को इसी विधि से एक यहां से लिया एक पीछे की सलाई से लिया दोनों को बुना और इस फंदे को इसके ऊपर से उतारा इस तरह से हम सारे फंदों को बंद करेंगे ये एक बार और देख लेते हैं इसको इसके ऊपर से इसको इसके ऊपर से उतार देते हैं इसको बुना इसको उठाया इन दोनों को इकट्ठा बुन दिया और फिर इसको इसके ऊपर से उतार दिया तो ये सारे फंदे बंद करके मैं मिलती हूँ आपको ये अब हम बंद करते करते सारे फंदे हमारे हो गए बंद और हम आ गए हैं लास्ट में आखिरी के दो फंदों को हमने लिया और इनको इस तरह से उतारा अब ये अकेला एक फंदा रह गया है इसमें से हम इस ऊन को निकाल देंगे अब मैं देखती हूँ थोड़ी सी ये ऊन है मेरे पास सिलने के लिए तो मैं थोड़ी सी और यहाँ पर इसको तोड़ती हूँ और इस ऊन को इसमें से हम निकाल देंगे इस लंबी वाली ऊन से हम पीछे सिलने का काम करेंगे और अब हमको यहाँ पर सिलाई करनी है ये सिलना है ये हमने ऊन छोड़ी थी ना इन ऊन की मदद से यहाँ पर ये यह इस तरह से ये मैं सिलूँगी सुई में ऊन डालने का देखो एक बेहतरीन तरीका मैं बताती हूँ ये जो लंबी इसकी जगह है ना यहाँ पर पकड़ा और इसको ऐसे खींच लीजिए और ये पड़ गया आसानी से बहुत आसानी से ये ऊन पड़ जाती है ऊपर की तरफ से मैं सिलने वाली हूँ इसका ये जो किनारा है कॉर्नर है ये मैच कराना है और बस आप आसानी से सफाई से इसको सेंटर मैच कराकर और फिर जो सबसे किनारे की ऊन होती है उसको उठाएंगे हम उधर से फिर जो इधर सबसे किनारे की ऊन है इसको उठाएंगे और इस तरह से हम इसको आसानी से सिल देंगे तो मैं मिलती हूं इसको सिलकर फिर हम पीछे की सिलाई करेंगे और ये मोजा हमारा फाइनल हो जाएगा अब ये देखिए ये हमारा सिलाई का काम हो गया पूरा और ये हमारा सुंदर सा मोजे का जो आगे का हिस्सा है ये हो गया तैयार बस अब मेरे को ये जो पीछे का हिस्सा है इसकी सिलाई करनी है तो ये मेरे पास यहां भी धागा है और इसको भी मैं ऊपर की तरफ से ही सिलूंगी तो ये वाला हम बस सिलेंगे और हमारा इसके बाद मोज़ा तैयार तो आशा है आपको ये अंगूठे वाला सुंदर सा मोज़ा अच्छा लगा है एक बार आप बनाएंगे और पहनेंगे तब आप जानेंगे कि ये कितना बढ़िया है जाली का इसमें हमने कोई काम नहीं किया है बिना जाली वाला ये हमारा मोजा सर्दियों के लिए बेहद ही आरामदायक और फायदेमंद है तो बस इस तरह से ये हम बनाएंगे ये हमारा सात नंबर का मोजा है अगर आपको छोटा बनाना है तो आपको थोड़ा सा ऊन सलाई थोड़ा सा उसका ख्याल रखना है फिर आप अपने फंदों को एडजस्ट करें अगर आपकी थोड़ी सी भी पतली ऊन है नॉर्मल ऊन है तो आप जितना ये वाला मैंने साइज बताया है ना ये भी आपके छ नंबर पैर में आ सकता है तो इस बात का थोड़ा ख्याल करेंगे एक बार एक मोजा बनाएंगे तो फिर आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको कैसे फंदों को एडजस्ट करना है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर तब तक देखते रहिए शारदा नेटिंग आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you